Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number 140, and we are going to talk about that we have to diffuse a challenging interaction. जब हम दूसरों के साथ मामलात में होते हैं, तालुकात में होते हैं, तो कई तरह के कन्फ्लिक्ट वो एवोल्व कर सकते हैं, and we have to be careful कि उन कन्फ्लिक्ट्स को हम इमोशनली चेकल वो कैसे करेंगे। In that perspective, याद रखिएगा देर इज ए कम्प्लीट कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड और कंफ्लिक्ट लिटरेचर में इस प्रोसेस के अंदर हम ये जान पाते हैं कि डिफरेंट तरह की इंटरेक्शन में हमारा बर्ताव वो कैसा हो सकता है हमारे कंफ्लिक्ट क्या हो सकते हैं और वो हमारी आउटकम को हमारी परफॉर्मेंस को वो कैसे इफेक्ट करेंगे सो लेट स्टार्ट दिस फ्लोशीट डायग्राम दैट हाउ दिस प्रोसेस इज एक्चुअली गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस कन्फ्लिक्ट प्रोसेस देर आर डिफरेंट स्टेजेस

अब चाहे वो एंटीसीडेंट कंडीशन कम्युनिकेशन बेस्ड हो स्ट्रक्चरल इशू हो या पर्सनल वेरिएबल्स हो हमारे पास कोई कन्फ्लिक्ट इवॉल्व करता है बिकॉज वन एवर पीपल वर्किंग टूगेदर उनमें कोई ना कोई, कोई conflict जो है वो इवॉल्व कर सकता है यहां पर एक और बहुत जरूरी बात याद रखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट सेल्फ इज नॉट बैड एक्चुअली मिसमैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज बैड

को पहचान सकते हो आप यह जान सकते हो कि वट वर एक्चुअली रीजनिंग वो नहीं पता होती इसके बाद हम थर्ड स्टेज पर पहुंचते हैं विच इज टॉकिंग अबाउट इंटेंशन अब आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए क्या इरादे क्या इंटेंशन वो रखे हुए हो सो हैंडलिंग इंटेंशन कैन बी कंपीटिंग

कोऑपरेशन मौजूद हो तो उस सूरत में वी कैन गो फॉर अकोमोडेटिंग और अगर ना एजर्टिवनेस हो और ना कोलेबोरेशन हो तो दैट वुड बी द सिचुएशन ऑफ इन तमाम ऑप्शंस के मिडल में हमारे पास एक ऑप्शन आती है इज इज ऑप्शन ऑफ एंड नॉट अ वेरी गुड थिंग टू गो फॉर इट एक बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है एंड दैट कैन बी एडजस्टमेंट कि आप लाइफ में एडजस्टमेंट करना सीखें बिकॉज रिमेंबर के कंप्रोमाइज इज लाइक अ स्प्रिंग प्रेशर पड़ने से वो स्प्रिंग दब तो जाएगा लेकिन मौका मिलते ही वो उतनी ही फोर्स से रिपेल बैक भी करेगा एंड रिमेंबर के कंप्रोमाइज में हमेशा रिग्रेट भी होता है जबकि जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट इज लाइक अ स्ट्रिंग वो एक रस्सी की मानिंद है और स्ट्रिंग को आप जिस तरफ भी मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगी लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे कंप्रोमाइज वो नहीं करेगी सो वट एवर द केस में भी आपकी जो हैंडलिंग इंटेंशन हैं दे आर गोइंग टू अफेक्ट योर कन्फ्लिक इवेंचुअली इसके बाद स्टेज फोर हमारे पास आती है जिसमें हम बिहेवियर का जिक्र करेंगे और उस बिहेवियर में अगर ओवर्ड इज टेकिंग प्लेस तो अब उसमें द अदर पार्टीज बिहेवियर क्या है दूसरों का रिएक्शन क्या है ये सब चीजें हमें देखनी सोचनी जाननी वो होंगी बिकॉज वो रिएक्शन हमें गाइड करेंगे कि वट कैन बी दू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और इसके एंड पर हमारे पास स्टेज फाइव पहुंचती है विच इज द आउटकम और आउटकम के तौर पर देर कैन बी इंक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस एंड देर कैन बी डिक्रीज ग्रुप

अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि हमारे जज्बात हमारे कन्फ्लिक्ट प्रोसेस को इफेक्ट वो करते हैं और उस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हमें इस बात को समझना होगा कि दूसरा शख्स भी एक परस्पेक्टिव वो कैरी करता है उसके पास भी उतना ही राइट है सोचने का जितना कि आपके पास है देयरफॉर दूसरों के एहसासात को समझना अपने एहसासात को कंट्रोल करना ये कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहलाएगी